हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट दिस चैनल गुड नॉलेज। मैं एहसान आलम और आप देख रहे हैं गुड नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको बताया गया सभी के सभी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है। मैग्नीशियम इन Mg रिबन के दहन के फलस्वरूप कैसा चूर्ण प्राप्त होता है। हाँ, पूछा जा रहा है इसमें किस रंग का चूर्ण प्राप्त हो रहा है, यानी रंग पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ना तो श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। किस तरह का चूर्ण प्राप्त होता है? श्वेत चूर्ण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो लोग जब थ्योरी पढ़े थे तो उसी वक्त बताए थे कि लोहा में जब जंग लगता है तो फिर उसको किसी भौतिक विधि से फिर न्यू उसी तरह के दूसरे लोहा में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से लोहे में जंग लगना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOH जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। उसके बाद CaCO3, यही जो है कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग संगमरमर कहते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा CaCO3, यानी CaCO3 ही संगमरमर का कहिए या कैल्शियम कार्बोनेट का कहिए रासायनिक सूत्र होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं ना उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो हम लोग को हो जाएगा प्रतिकारक या अभिकारक। प्रतिफल नहीं होगा, प्रतिफल को अभिकारक उत्पाद भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रतिफल को उत्पाद कहते हैं। तो ऐसे सवाल को पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रतिफल या उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का निष्कासन होता है, यानी उष्मा बाहर निकलता है, उससे क्या कहते हैं। तो हम लोग उष्मा के निष्कासन के और शोषण के आधार पर देखे थे दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। एक जिसमें उष्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी, और दूसरा जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है तो उसको कहते हैं हम लोग उष्मा शोषी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उष्मा का निष्कासन होता है यानी उष्मा बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उष्मा क्षेपी। क्या कहते हैं इसको? उष्मा क्षेपी। और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसका उष्मा शोषी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का अणु सूत्र क्या है। तो बुझा हुआ चूना का अणु सूत्र देखिए, यहाँ पर है CaCO3, CaO ये जो है सूखा चूना का है। किसका चूना, कैसा चूना का है? सूखा चूना। सूखा चूना का फॉर्मूला होता है CaO। यह है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का फॉर्मूला है, और यहाँ है बुझा हुआ चूना का CaOH। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का दहन कैसा परिवर्तन है। यानी कोयले का दहन का मतलब कोयला का जलना किस तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो कोयले का जो दहन होता है फिर से उससे और उसी तरह का कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयले का दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुआं का रंग किस तरह का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को वायु को परिस्थिति में लोग गर्म करते हैं, जो धुआं तैयार होता है वो किस तरह का परिवर्तन है, सॉरी कि उसका रंग कैसा होता है। देखिए उसका रंग होता है भूरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहा जा रहा है C+O2 = CO2। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर C और O2 मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, यानी ये दो अलग अलग पदार्थ है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक ही पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इस तरह से जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस तरह से यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है जिसका हम लोग CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पड़ा है CuSO4। तो इसका जो रंग होता है ना वो नीला होता है। उसके बाद जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको हम लोग कहते हैं अपचयन या अवकरण। ठीक है ना, तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन सल्फेट का रंग होता है, यानी आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो आयरन सल्फेट का जो रंग है हरा होता है। हम लोग पढ़े थे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है। तो यही कारण है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है उसका रंग नीला होता है, और जब उसमें लोहे की कील को डालते हैं ना तो उसका नीला रंग किस में बदल जाता है, हरा में बदल जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण के दौरान तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे को जब वायु की उपस्थिति में हम छोड़ते हैं तो उसका संक्षारण होने लगता है तो उस पर किस रंग की परत चढ़ती है, यानी उस पर जो परत चढ़ता है उसका रंग कैसा होता है। तो उसका जो रंग है वो हरा रंग का होता है। ठीक है ना, यानी तांबा पर किस रंग का जंग लगता है, हरे रंग का। नेक्स्ट है संक्षारण के दौरान चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है। तो चांदी पर जो चढ़ती है उसका रंग काला होता है, यानी चांदी काला हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। किसकी वस्तु पर, लोहे की वस्तु पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एनोडीकरण, यशदलेपन, दोनों, तो उसको हम लोग कहते हैं यशदलेपन। ठीक है, गैल्वेनीकरण और एनोडीकरण कहते हैं एल्युमिनियम की वस्तु पर जो उसकी ऑक्साइड बन जाती है उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। चलिए इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर यानी ऑक्सीजन गैस को हटा करके कौन से गैस भरते हैं। तो ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और उसके जगह पर कम सक्रिय गैस को ही भर दिया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं तो अक्सर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस किस क्रिया को रोकने के लिए भरते हैं। तो उपचयन की क्रिया को रोकने के लिए। ठीक है ना, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है तो उपचयन की क्रिया नहीं होती है और वो चिप्स खराब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है जेडन और Fe यानी जिंक और आयरन में कौन अधिक सक्रिय है। ठीक है, तो इसमें देखिए जिंक अधिक सक्रिय है क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में Fe से ऊपर आता है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, यानी पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोहा और जिंक, इससे नहीं बना होता है। नेक्स्ट है तांबा और जिंक, इसी से बना होता है, यानी पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। हम लोग याद किए थे कि पीतल जो है ऐसे, इसमें हम लोग पिताजी याद किए थे, पिताजी, पी से पीतल बनता है, किससे तांबा और जिंक से, जिसमें तांबा हम लोग पढ़े थे 70% और जिंक लगभग 30% पढ़े थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन ऑप्शन देखिए उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी और संयोजन। तो श्वसन क्रिया के दौरान कुछ उष्मा का ऊर्जा का निष्कासन होता है, तो ये हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला है खाद्य पदार्थों में खराब गंध का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए संक्षारण, ये तो जंग लगता है लोहा की वस्तुओं में चाहे धातुओं में। अपचयन है उसका विकृत गंधिता, तो हम लोग का हो जाएगा विकृत गंधिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है सल्फेट की संयोजकता कितना होता है। सल्फेट यानी SO4, क्या SO4 की संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चन का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ दिया गया कुछ यौगिक और उसके यौगिकों का प्रचलित नाम और इसके रासायनिक नाम, यानी हम लोग उसको किस नाम से पुकारते हैं और उसका रासायनिक नाम क्या है वही दिया गया है। फर्स्ट है यानी 21 नंबर है संगमरमर। तो संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। उसके बाद है बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है सूखा चूना। तो सूखा चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ध्यान से, बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सूखा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद विरंजक चून। तो विरंजक चून का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर कार्बोनेट लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहां से कहा जा रहा है यौगिकों की इधर नाम है और इसके रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 में संगमरमर। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH होल्ट वाइज। उसके बाद है सूखा चूना। तो सूखा चूना का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट है विरंजक चून, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और यहाँ इनके संकेत दिए हुए। फर्स्ट है सोना, जिसका संकेत होता है Au। उसके बाद है टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। उसके बाद है प्लेटिनम, जिसका संकेत है PT। पारा का संकेत Hg और टीन का संकेत होता है S। आपको चांदी का पता है Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का LPG का गंध कैसा होता है। तो देखिए LPG जो हम लोग गैस सिलेंडर का यूज करते हैं वो उसमें किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है, ठीक है ना, यानी यह गंधहीन होता है। इसमें देखिए गंध के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो अलग से इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि वो उसमें गंध निकले और लोगों को अगर कहीं से उसका रिसाव हो रहा है तो जानकारी मिले, ताकि उसको जाकर बंद किया जा सके, ठीक है ना। इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसके गंध के लिए इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी मिश्र धातु में पारा हो। किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु क्या हो, पारा हो, उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए उसको एक विशेष नाम अमलगम के नाम से जानते हैं, यानी बाकी जितने भी मिश्र धातु हैं उनमें अगर पारा न हो तो सिर्फ मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। जबकि अगर किसी भी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा हो तो उसको हम लोग एक विशेष नाम, बहुत हीटेड नाम, अमलगम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है C+O2 में कौन उपचायक है। तो जिस पदार्थ के कारण उपचयन की क्रिया होती है उसको हम लोग उपचायक कहते हैं। तो इसमें उपचायक कौन है, तो ये इसमें उपचायक है O2। अगला क्वेश्चन है H2+Cl2 = 2HCl में कौन अपचायक है। तो हम लोग उपचयन और अपचयन की क्रिया में पढ़े थे। जिस पदार्थ के चलते उपचयन की क्रिया होती है उसको हम लोग उपचायक कहते हैं, ठीक है, और जिस पदार्थ के कारण अपचयन की क्रिया होती है उसको अपचायक कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ये तो अपचयन क्रिया है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का योग हो रहा है और इसमें किसके चलते योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन के चलते, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन अपचायक हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन या सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो मेथेन जो होता है, या मीथेन कहिए या मेथेन कहिए, CH4, ये सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पटाखे का पटकना यानी पटाखे का फटना कौन सा दहन है। तो ये विस्फोट दहन या द्रुत दहन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, जिसमें आवाज के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन का पोषक किसे कहा जाता है, यानी किस चीज को दहन का पोषक कहते हैं। तो ऑक्सीजन को दहन का पोषक कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के चलते ही दहन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें कितनी हैं, यानी दहन के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दहन के तीन आवश्यक शर्तें होती है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति, दूसरा जलने वाला कोई पदार्थ होना चाहिए, और तीसरा प्रज्वलन ताप, ठीक है ना। तो दहन की कितनी आवश्यक शर्तें हुई, तीन। नेक्स्ट है, कागज और लकड़ी में किसका प्रज्वलन ताप अधिक है, यानी किसको जलने के लिए ज्यादा ताप की जरूरत पड़ती है। तो लकड़ी की, इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी की। नेक्स्ट है, किसे लफिंग गैस कहते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लफिंग गैस कहते हैं, यानी इस गैस को सूंघने पर आपको अपने आप हंसी आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट की संयोजकता कितना है। तो कार्बोनेट की संयोजकता 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है ना, तो उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास दिया, योग नहीं ह्रास क्या कहलाता है। तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा या ऑक्सीजन का योग होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टारगेट है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखते हैं किनका आंसर सही आ रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया है C6H6, सेकेंड ऑप्शन है C12H22O11, थर्ड ऑप्शन है C6H12O6 एंड डी नंबर ऑप्शन है C2H6, ठीक है। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उसके लिए आपको कमेंट में लिखना है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए सही है तो कमेंट में लिखिएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। अगर बी सही है तो यहां बी लिखना है कमेंट में, सी सही है तो सी लिखना है, डी सही है तो डी लिखना है। दोस्तों जरूर इसका जवाब लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। अभी तक आपने आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।